रील को बनाने के लिए आपको जो चाहिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है VN एप्लीकेशन। तो आपको VN एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगी आपको VN एप्लीकेशन। तो VN एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। VN एप्लीकेशन से ही इस तरीके का फोटो रील बना सकते हैं। तो VN एप्लीकेशन को आपको करना है क्लिक, VN एप्लीकेशन को क्लिक करना है, और आपको करना है एक प्लस, यहाँ पे दिख रहा है इस प्लस वाले आइकन पर आपको करना है क्लिक। प्लस वाले आइकन पर आ जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, तो आपको न्यू प्रोजेक्ट पर करना है क्लिक। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, और आपको यहाँ फोटोज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपका जो विदाउट एडिटिंग वाला फ़ोटो है उसको पहले लेना है, और जो एडिट वाला फ़ोटो है उसको बाद लेना है। तो हमें पहले वाले फ़ोटो को जो विदाउट एडिटिंग वाला है उसको ले लेते हैं। तो मेरा ए वाला है तो इसको मैं ले लेता हूँ, ए आ गया। और हमें लेना है जो एडिट वाला फ़ोटो है, मतलब जो एडिट किया गया है फ़ोटो, उस एडिट वाले फ़ोटो को हम लेना है, इसको भी ले लेते हैं। तो एडिट वाला फ़ोटो आ गया। तो जो मेरा लास्ट वाला है इसको डिलीट कर दीजिएगा, वो एक आ जाता है लोगो उसका। तो इतना सब हो जाने के बाद आपको म्यूज़िक ऐड करना है इसमें, जो भी अगर आप गाना साना मतलब म्यूज़िक व्यूज़िक होगा इंस्टाग्राम से या फिर कहीं से डाउनलोड किए होंगे, उसको आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो सिंपली आपको म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ तीन ऑप्शन आ जाएंगे, म्यूजिक इफेक्ट एंड रिकॉर्ड। तो आपको म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर आपका जो म्यूज़िक है वो वीडियो में है, तो आपको सिंपली इसमें म्यूज़िक में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो आ जाएगा, तो इस पर क्लिक करना है। और आपका जो भी अगर म्यूज़िक होगा वीडियो में, उस वीडियो को लेना चाहते हैं, तो जैसे कि मैं ए वाला वीडियो लेना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक करूँगा और रीनेम कर दूँगा। रीनेम आप कुछ भी कर सकते हैं, एक एक ए दो तीन चार ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, और ओके कर दीजिएगा। इसको मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो इसके लिए हम मैं नहीं करूँगा, तो आप करके ओके कर लीजिएगा, और आपका जो है सबसे ऊपर में ही आ जाएगा। तो आपको सबसे ऊपर में ही आ जाएगा, उस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको कर देना है डन। तो आप देख सकते हैं आ गया है। और हमारा जो म्यूज़िक है वो फुल नहीं आ रहा है, तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, जो मेरा फर्स्ट वाला है उसको कर देना है बड़ा, और आप आ गया है। अभी हमारा जो म्यूज़िक है वो पूरा ऐड हो चुका है। तो मेरा जो म्यूज़िक है वो फुल ऑलरेडी आ चुका है, और हमें अब हमें म्यूज़िक के ऊपर इसे सेट करना है। जो हमारे वीडियो बनेगा वो म्यूज़िक के ऊपर सेट होगा, नहीं तो अगर हम म्यूज़िक के ऊपर सेट अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, तो हमारा जो वीडियो है वो मस्त इनफॉर्म मोशन में एडिट नहीं हो पाएगा। तो इसको हमें जो म्यूज़िक हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे लगाना है, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। एरो दिख रहा है बड़ा छोटा, तो इसको कर लेते हैं हम इसको इतना से, ओ सॉरी सॉरी, जो हमारा म्यूजिक है यहाँ ऐसे आएगा। एक बार और प्ले करके देख लेते हैं। तो एक बार और प्ले करके देख लेते हैं। तो हमारा म्यूजिक यहाँ पे जो होता है इसको कर लेते हैं छोटा। अरे भाई हो जा छोटा, इतना पे लाना है हमको। यहाँ पे हमें चाहिए, तो इसे हमें कर देना है बड़ा। और देखिए अभी यहाँ, तो अब नीचे वाले को हम सेट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, और हमारा हो चुका है सेट। और इसको जो बड़ा है इसको हम ऐसे करके कर
कट लगा के इसको कर देंगे डिलीट। तो अभी हमारा देखिए कुछ है। तो हमारा वीडियो जो है एक नंबर का हो चुका है। अब इसमें हमें इफ़ेक्ट डालना है, जैसे जो फर्स्ट वाला है इसमें जूम इन होना चाहिए, मतलब जैसे कि लगे कि हमारा फ़ोटो ऊपर की तरफ आए तो जूम इन होना चाहिए। तो इसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ आ जाना है, यहाँ जूम का ऑप्शन एक मिलेगा, जूम का ऑप्शन मिलेगा, इस जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जूम इन आ जाएगा। तो आपको जूम इन पर कर देना है क्लिक और कर देना है डन। तो अभी देखिए हमारा जो फ़ोटो है वो जूम इन हो रहा है। तो अभी हमें इसमें एक इफ़ेक्ट डालना है, जो मेरा सेकंड वाला पार्ट है उसमें डालना है एक इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट डालने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है एफएक्स पे, एफएक्स पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट आ जाएंगे। तो आपको देखना है कौन सा इफ़ेक्ट हमारे फ़ोटो के ऊपर अच्छा लगेगा। तो मैं इसको डालना चाहता हूँ, इसको कर देते हैं फुल। और अभी देखिएगा हमारा जो फ़ोटो लगता है अच्छे तरीके से बन चुका है। इफ़ेक्ट उतना अच्छा नहीं बैठ रहा है, इसके लिए देखते हैं और कोई इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट आपको जो भी आपके वीडियो में इफ़ेक्ट अच्छा लगे उस इफ़ेक्ट को आपको लगाना चाहिए, नहीं तो भाई लोग वीडियो अगर बनेगी अच्छी इफ़ेक्ट नहीं हो पाएगा तो आपको मज़ा क्या मिलेगा, वीडियो बनाने से मतलब ही क्या मिलेगा जब आपकी फ़ोटो में इफ़ेक्ट ही अच्छे नहीं, ये अच्छा लग रहा है। इसी को आपको इसी तरीके से एडिट करना है भाई लोग। तो आप देख लीजिए इसको एक अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कितना इनफॉर्म मोशन में हमारा जो वीडियो है एडिट हो चुका है। इसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। एक्सपोर्ट करने के लिए जो रेजोल्यूशन को मतलब ए वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको फुल्ली 100 रखना है, मतलब 1080 रखना है। तो इसको कर लेंगे, इसको जितना है उतना रही और सही कर लीजिएगा और आपका जो वीडियो है एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आज का वीडियो करते हैं ख़त्म, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जल्द ही आएंगे भाई लोग दूसरा वीडियो लेके और आपको कर लेते हैं सेफ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।